आरक्षण हक्क कृति समिति व संघर्ष वाहिनी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार द्वारा वीजे एंटी आरक्षण को असंवैधानिक बताने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। मुक्त मत कैंसर, मुक्त मत कैंसर, संविधान संविधान आरक्षण आमच्या हक्काचा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळालंच पाहिजे। विजय एंटी आरक्षण को सरकार द्वारा असंवैधानिक बताने के खिलाफ संपूर्ण राज्य में विजय एंटी द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर में भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विजय एंटी के आरक्षण को सरकार ने असंवैधानिक बताया, जो सरासर गलत है। विजय एंटी को आरक्षण की बहुत जरूरत होने की भी बात उन्होंने कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने शपथ पत्र में बदलाव नहीं लाती है, तब तक उनके द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। आरक्षण हक्क कृति समिति व संघर्ष वाहिनी संगठन द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आरक्षण कृति हक्क समिति याच्या माध्यमातून सुरू आहे। खास करून हे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हे प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकारने 29 सप्टेंबरला जे ॲफिडेविट सादर केलेलं आहे, ते ॲफिडेविटच्या विरोधात हे निदर्शन सुरू आहेत। सरकारने जे ॲफिडेविट सादर केलेलं आहे ते असे की 2004 सरकारने जो आरक्षण रिझर्वेशन इन प्रमोशन हा कायदा केला, त्या कायद्याच्या दरम्यान या कायद्याला चॅलेंज करण्यात आलं सुप्रीम कोर्टामध्ये, आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये चॅलेंज केल्यानंतर नुकतंच सरकारने 29 सप्टेंबर 2021 एक 76 पेजचं एक ॲफिडेविट सादर केलं, ज्यामध्ये सरकारने असं म्हटलं आहे की विजयंतीचं आरक्षण हे अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे, असंवैधानिक आहे, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देऊ शकत नाही। अशा प्रकारची खोटी माहिती, चुकीची माहिती, अनकॉन्स्टिट्युशनल माहिती ही सरकारने कोर्टामध्ये सादर केलेली आहे।